हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तोशिक नरकर और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि HSL/Color ये तीनों क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले बेसिकली ये अकॉर्डिंग टू मी Lightroom के मोबाइल में भी मिल जाएगा और ये Lightroom के PC में तो ऑब्वियसली है क्योंकि मैं PC यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। सो बेसिकली ह्यू क्या है? ह्यू यानी कि कलर। आप सेम कलर को चेंज कर सकते हो उसी स्पेक्ट्रम में। यानी कि अगर मैं ह्यू की डेफिनेशन आप लोगों को बताऊँ तो एक सेकंड में बता देता हूँ ह्यू की डेफिनेशन। अ कलर, अ पर्टिकुलर शेड ऑफ अ कलर, यानी कि कलर बेसिकली वो ह्यू यानी कि कलर ही। सो ये रहा अपना ह्यू। सो सबसे पहले मैं इनको इन सार के सारे मेरे काम को मैं ज़ीरो कर लेता हूँ। अब बेसिकली ये वाली फ़ोटो में मैंने HSL कलर में सिर्फ ये किया था कि ये मुझे डिसगस्टिंग सा लग रहा था तो मैंने इसको कम किया था। सो अपन ह्यू में आएंगे सबसे पहले। सो अभी यहाँ पे कौन सा कलर डिसगस्टिंग लग रहा है? जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला कलर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिसगस्टिंग सा लग रहा है। अगर आपको अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ऑब्वियसली न्यू होंगे फोटोग्राफी में। तो अगर आपको कलर नहीं समझ रहा तो बेसिकली यहाँ पे ये जो पीक है एडजस्टमेंट ह्यू बाय ड्रैगिंग द फोटो, यहाँ पे ये वाला जो एक सर्कल सा है इस पर एक बार क्लिक कीजिए। ये ऊपर और नीचे दो एरो आ जाएंगे और इसको आपको जहाँ पे भी लेके जाना है, यानी कि जिस कलर का आपको चेंज करना है उस पर जाके ड्रैग डाउन या फिर ड्रैग अप कीजिए, फोटो में वो जो कलर है वो चेंज होते जाएगा। सो बेसिकली ये था, जैसे कि मेरा ये जो ह्यू में पर्पल और ब्लू और पर्पल है इसको मैं प्लस में लेके गया था ऑब्वियसली ओरिजिनल वाली फ़ोटो में। सॉरी फॉर द साउंड, एक सेकंड सॉरी रियली वेरी सॉरी। अब भी मैंने मोबाइल को वाइब्रेट पे डाला है तो ऑब्वियसली वो वाइब्रेट करेगा। सो बेसिकली जैसे कि ये वाला कलर बहुत ज़्यादा डिसगस्टिंग लग रहा है तो मैं इसको ऑब्वियसली चेंज करना चाहूँगा ह्यू में। सो इसको मैं लेके गया प्लस की तरफ। पहले मेरा था 65, शायद था 60 या 65 के करीब होगा, तो मैं इसे, हाँ मैंने पहले पिंक रखा था पिंक, तो मैं इसको लेके जाऊंगा ऑब्वियसली 60 या फिर 65 की तरफ। और उसके बाद जो पर्पल वाला है, पर्पल वाला क्या करेगा? पर्पल वाला इसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल कर रहा है, ये वाले को वो और भी ज़्यादा कलर में रिच करते जा रहा है। जैसे कि जैसे ही फ़ोन आया मेरा पूरा ध्यान उसकी तरफ चला गया बेसिकली। सॉरी रियली वेरी सॉरी। सो ये फ़ोटो में मुझे वो कलर डिसगस्टिंग सा लग रहा था तो ये ब्लू कलर, तो मैंने इसको क्या किया, ब्लू कलर को मैंने पर्पल में तब्दील कर, पर्पल नहीं सॉरी ये पिंक है। सो ये इनको रख देते हैं अपन फिर से। सो ये हो गया ह्यू। ह्यू क्या है? पर्टिकुलर शेड ऑफ अ कलर, अ कलर वो कलर को कंट्रोल करता है। सो उसके बाद आता है सैचुरेशन। सैचुरेशन में मुझे इस फोटो में, जैसे कि तुम लोगों को पता होगा, सॉरी फॉर द नॉइस अगेन, दैट्स सम काइंड ऑफ अ ट्रक दैट इज गोइंग पास बाय। इंडिया में कंटेंट क्रिएटर की बिल्कुल भी इज्जत नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। आई डोंट नो व्हाट इज़ द मेन रीज़न। सो जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो, मुझे थोड़ा सा शेडी एरिया, थोड़ा सा अनसेचुरेटेड थिंग ही पसंद है, तो मैं इसको माइनस में किया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि माइनस में सैचुरेशन कम होता है। इससे पहले जो सैचुरेशन और वाइब्रेंस का वीडियो था, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। सो बेसिकली इस फोटो में सबसे ज़्यादा कलर कौन से है? एक है ब्लू, एक्वा नहीं ये है, क्योंकि वो फोटो वहाँ पे थी, वो ह्यू में था। सो अपने को ब्लू को कम करना पड़ेगा। ब्लू को मैं इतना ज़्यादा ठीक है शायद। उसके बाद इसमें पर्पल भी है क्योंकि अपने को पता है कि इसमें पर्पल है।
तो इसको भी मैं थोड़ा सा कम करूँगा, क्योंकि मुझे वो वाला स्टाइल पसंद है। अगर आपको सैचुरेटेड फ़ोटो पसंद है तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं मजेंटा को थोड़ा सा, अगर मैं इसको माइनस में भी लेके जाऊँ तो ये अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको प्लस में लेके जाऊँगा जस्ट फॉर दिस लोगो, क्योंकि वो मुझे लोगो थोड़ा सा उठता भी नहीं। 30 ठीक है। सो इसके बाद ये है इसका ऑरेंज कलर। ऑरेंज को मैं थोड़ा सा कम करूँगा, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा ही वहाँ पे इफ़ेक्ट कर रहा था, तो सैचुरेशन यानी कि कलर का सैचुरेशन है। उसके बाद आता है ल्यूमिनेंस, आपको कलर कितना डार्क या फिर कितना लाइट होना। अगर मैं ल्यूमिनेंस की आप लोगों को डेफिनेशन बताऊँ तो ल्यूमिनेंस की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मी आनी चाहिए द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमिटेड फ्रॉम अ सरफेस पर एरिया इन गिवन कंडर। ठीक है, समझ गए या फिर नहीं समझे? द इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी कि डार्कर या फिर लाइटर। सो इसमें फिर से ब्लू था। सो ये देखो, ये करता है ये। अब जैसे कि वो ऑब्वियसली डिसगस्टिंग लग रहा था वहाँ पे, थोड़ा सा इसको फिर से डिसेचुरेट करते हैं, क्योंकि अगर इसमें अपन करेंगे तो फिर वो ये देखिए हॉटस्पॉट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। सो इसमें भी ये वाला टूल काम आएगा बाय द वे। थोड़ा सा इन सब को मैं फिर से कम कर लेता हूँ। अब जैसे कि अपन ने अभी ये बहुत ही ज़्यादा डार्किश, ये बहुत ही ज़्यादा सैचुरेटेड लग रहा है, तो मैं इसको ऑब्वियसली फिर से कम करूँगा। अब कम इसलिए करूँगा क्योंकि मुझे वो उतना भी ज़्यादा नहीं लगना था। तो आपको काफ़ी ज़्यादा बार ट्विक और थिंगी करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको बेसिकली एक मनचाहा एडिटिंग मिलेगा, क्योंकि फ़ोटो एडिटिंग को ही ट्विक्स एंड थिंगी कहते हैं, कि एक बार बड़ा करो, एक बार कम करो, एक बार बड़ा करो, एक बार कम करो। सो ये है। और इसके बाद जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा ये बेकार लग रहा है, तो इसके ऊपर मैं एक रेडियल फिल्टर मार दूँगा। यहाँ पे इसका एक्सपोजर ये रहेगा, उसके बाद इसको इन्वर्ट कर दूँगा और सैचुरेशन को थोड़ा सा यहाँ पे डाउन कर दूँगा और क्लैरिटी को भी डाउन कर दूँगा, शार्पनेस को भी थोड़ा सा डाउन कर दूँगा मैं। सो ये रहा, अभी ये गुम गया फोटो में। सो यही था, यानी कि एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ। ह्यू क्या करता है, एक कलर को कंट्रोल करता है बेसिकली। ह्यू कोई भी कलर को कंट्रोल करेगा, आप कहाँ पे भी कर सकते हो। ये आपको अकॉर्डिंग टू मी सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ह्यू तो एटलीस्ट मिल जाएगा, ह्यू और सैचुरेशन तो एटलीस्ट मिलना चाहिए। उसके बाद आता है सैचुरेशन। सैचुरेशन क्या करता है, कलर की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। ल्यूमिनेंस क्या करता है, ल्यूमिनेंस कलर की कलर के ब्राइटनेस को बेसिकली क्या बोलेंगे उसे कंट्रोल करता है। तीनों के अंदर ये एक पिकर टूल है, जैसे कि अगर आप इस पिकर टूल को लेंगे और ड्रैग करेंगे तो ये आप डायरेक्टली उससे वो वाले कलर को चेंज कर सकते हैं। ये बिगिनर में बहुत ज़्यादा काम आएगा, मैंने भी इसे बहुत ज़्यादा बार यूज़ किया है, लिटरली वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड टूल में से आता है ये। और उसके बाद ये ऑल आता है, यानी कि तीनों स्लाइडर एक साथ एक नीचे लगाई दिखाई देंगे, लेकिन मैं ऑल वाले को कभी भी यूज़ नहीं करता, मैं डायरेक्टली इन तीनों में से एक को यूज़ करता हूँ, बैक एंड फोर्थ। सो यही था आज का क्विक एंड ईजी वीडियो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, सी यू, बाय।